स्वास्थ्य गृह योजना के तहत रहने वाले बच्चों की शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए किस नीति का पालन किया जाता है, उसे शिक्षित करने के और बाल मजदूरी से बचाने के लिए 3 साल के कितने राशि का आवंटन किया गया है, विभिन्न राज्यों ने राष्ट्रीय महिला हेल्प नंबर 181 ठीक से काम नहीं कर रही है, राज्य में अलग हेल्पलाइन नंबर भी है और उसमें से बहुत से काम नहीं कर रही है, इससे ग्रामीण महिला मदद पाने के लिए भ्रमित हो रही है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के संकट में महिला की व्यावहारिक रूप से संयुक्त हेल्पलाइन द्वारा मदद करने की कौन कौन सी योजना बनाई है और कब तक केवल एक हेल्पलाइन नंबर लागू होगा।